गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉमिनेशंस पॉलिसी होल्डर के पास राइट right होता है कि वह अपॉइंट कर सकता है एक सर्टेन पर्सन को एज द रिसीवर ऑफ क्लेम मनी इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म मतलब कि जो इंश्योर्ड है जब वो पॉलिसी ले रहा है तो उसी टाइम पे या उसके बाद पे भी जो पर्सन है वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जिसको पैसा मिलेगा अगर उस इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म इसी को नॉमिनेशन कहते हैं जो पर्सन जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो जिसको पॉलिसी होल्डर है अपॉइंट कर रहा है, उसे नॉमिनी कहा जाता है जो पॉलिसी होल्डर है वो अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज्यादा को नॉमिनेशन कैंसिल माना जाएगा अगर पॉलिसी होल्डर टिल द डेट ऑफ ऑफ द पॉलिसी सरवाइव करता है नॉमिनेशन जो है वो गवर्न होता है बाय सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन प्रोसेस क्या है नॉमिनेशन का नॉमिनेशन आप किस मेथड से कर सकते हैं पहला है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस और उसके लिए उसे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी नेम ऑफ नॉमिनी एज ऑफ नॉमिनी एड्रेस ऑफ नॉमिनी रिलेशनशिप विद द नॉमिनी और अगर अगर पॉलिसी कमेंस हो चुकी है मतलब कि एट द टाइम जब आप प्रपोजल फॉर्म भर रहे थे आपने नॉमिनी फिल नहीं किया आपने उसके बाद पॉलिसी ले ली पॉलिसी शुरू हो चुकी है तो उसके बाद भी आप नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं जो पॉलिसी होल्डर है या जो लाइफ एश्योर्ड है उसके पास राइट right है कि वो अपॉइंट कर सकता है या चेंज कर सकता है नॉमिनेशन आफ्टर द दुंस ऑफ पॉलिसी उस केस में जो पॉलिसी होल्डर है उसे एक रिक्वेस्ट रिटर्न में देनी पड़ेगी इंश्योरर को और जो इंश्योरर है वो रजिस्टर करेगा उसे अपने रिकॉर्ड्स में फीचर्स क्या है नॉमिनेशन के जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास राइट है कि वो रिवोक कर सकता है या कैंसिल कर सकता है नॉमिनेशन को एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी एक से ज्यादा नॉमिनीज को वो अपॉइंट कर सकता है जो नॉमिनी है उसे बेनिफिट्स मिलेंगे ऑन द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ऑन ऑफ़ ऑफ़ लीगल हेयर्स लाइफ जो नॉमिनी है उसके पास कोई राइट नहीं है पॉलिसी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का जो इंश्योर्ड है जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो डिफरेंट है तो जो इंश्योर्ड है सिर्फ उसी के पास राइट है अपॉइंट करने का नॉमिनी को अगर असाइनमेंट आपने किया है तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है अगर नॉमिनी आपका माइनर है तो जो इंश्योर्ड है वो अपॉइंट कर सकता है एक गार्जियन को जो गार्जियन है वो ड्यूली साइन करेगा डॉक्यूमेंट अपनी कंसेंट देगा कि वो एज अ गार्जियन अपॉइंट होना चाहता है देन जो गार्जियन है वो चेंज कर सकता है किसी भी टाइम पे आप उसको गार्जियन को चेंज कर सकते हो और गार्जियन को चेंज कौन कर सकता है जो इंश्योर्ड है जो माइनर है जब वो मेजर बन जाता है तो जो गार्जियन है उसका स्टेटस लूज हो जाता है मतलब फिर गार्जियन को जो भी राइट्स मिल रहे थे जो भी डिसीजन वो ले पा रहा था वो नहीं ले सकता देन नेक्स्ट आता है प्रोविजंस क्या है नॉमिनेशन्स के एज पर सेक्शन थर्टी नाइन वो क्या है जो इंश्योर्ड है वो नॉमिनेशन किसी भी टाइम पे कर सकता है बिफोर द मेचोरिटी ऑफ पॉलिसी और डेथ क्लेम अगर माइनर नॉमिनी है तो उसे अपॉइंट करना पड़ेगा एक गार्जियन जो रिसीव करेगा उसके सारे बेनिफिट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉमिनी जो नॉमिनी है आप अपॉइंट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्रपोजल जो इंश्योर्ड है वो इंडोर्समेंट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट करेगा और जो इंश्योरर है वो रजिस्टर करेगा उसे अपने रिकॉर्ड्स में जो इंश्योरर है उसे इन्फॉर्म होना चाहिए कि अगर नॉमिनेशन आप कैंसिल कर रहे हो या चेंज कर रहे हो से या फर्दर इंडमेंट से या एक विल से तो आपको इंश्योरर को इन्फॉर्म करनी है ये चीज़ जो इंश्योरर है वो फर्निश करेगा एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट रजिस्ट्रेशन का नॉमिनेशन का या फिर कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन का जो इंश्योरर है उसके लिए चार्ज कर सकता है फीस वन रुपए की जो नॉमिनेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसल हो जाता है इनकेस ऑफ transfer or assignment of policy. इन केस जो नॉमिनी है या नॉमिनी नॉमिनीज जो आपने अपॉइंट किए हैं वो पहले मर जाते हैं इन शॉर्ट से तो उस केस में जो भी अमाउंट है वो लीगल हेयर्स को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको पे होगी या जिसके पास भी सक्सेशन सर्टिफिकेट है उसका उसको पे होगी देन अगर जो नॉमिनी और नॉमिनी सर्वाइव नॉमिनीज सर्वाइव करते हैं तो जो भी अमाउंट पेबल होगी वो उस सर्वाइवर या सर्वाइवर्स को पे होगी देन जो प्रोविजन है से आपके सेक्शन थर्टी के वो अप्लाई नहीं होंगे किसी भी पॉलिसी पर जो लाइफ इंश्योरेंस की है जिस पर सेक्शन सिक्स ऑफ द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 अप्लाई होता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीमियम क्या होता है जो अब हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कंसीडरेशन होती है वो प्रीमियम ही होती है प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो इंश्योर्ड या जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योरर को पे कर सकता है वो लमसम में, सक, में भी पे कर सकता है या इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकता है फॉर ऑप्टेनिंग द इंश्योरेंस कवर एज पर विकीपीडिया जो अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर रहे हो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए उसी को प्रीमियम कहा जाता है सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो प्रीमियम का मतलब है वो मॉनेटरी वैल्यू जो रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए आप इंश्योरर को पे कर रहे हो बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब कितनी आपकी लाइफ है उसके बेसिस पर जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट हुआ है वो आप जो पे कर रहे हो इन मॉनेटरी वैल्यू फॉर द रिस्क एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरर देन जो भी कंसीडरेशन है जो प्रीमियम होता है वो कंसीडरेशन होती है अगेंस्ट द रिस्क जो इंश्योरर ने लिया है अंडर अ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो प्रीमियम को ऑफिस इयरली प्रीमियम के नाम से डोनेट करती है और इसी को वो जब अपने अकाउंट्स बनाती है तो उसे प्रीमियम को वो ऑफिस प्रीमियम लिखती है और प्रीमियम को डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला है रेगुलर प्रीमियम ये वो प्रीमियम होता है जो पॉलिसी होल्डर पे कर रहा है सिक्योर करने के लिए जो भी बेसिक बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी मिल रहे हैं देन एक्स्ट्रा ये वो प्रीमियम होते हैं जो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए पे करते हैं ये इन एडिशन टू रेगुलर प्रीमियम्स चार्ज किए जाते हैं फ्रॉम इंश्योरर व्यू पॉइंट जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसका मतलब है जो कंपनसेशन आप उसे दे रहे हैं हायर रिस्क लेने के लिए जो एवरेज से ज्यादा हायर रिस्क है उसे लेने के लिए जो एक्स्ट्रा रिस्क है वो किस वजह से अराइज हो सकता है हो सकता है जो इंश्योर्ड है उसका जो ऑक्यूपेशन है वो हजार हो या एडवर्स हेल्थ हो लाइफ एश्योर्ड की या एडवर्स फैमिली हिस्ट्री हो टेम्प्रेरी रिस्क हो जैसे प्रेगनेंसी एसक्ट्रा देन नेक्स्ट है आपका राइडर प्रीमियम जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का वो इंश्योर देता है पॉलिसी होल्डर को वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं उन्हीं को राइडर्स कहा जाता है तो जो इंश्योरेंस इंश्योरर है वो चार्ज करता है एक्स्ट्रा प्रीमियम उन राइडर्स के लिए और उन्हें राइडर प्रीमियम कहते हैं राइडर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं आपको पार्शल डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं फुल कम्प्लीट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फैमिली इनकम बेनिफिट्स मिल रहे हैं नेक्स्ट हमारा मोड या फ्रिक्वेंसी क्या होगी पेमेंट ऑफ प्रीमियम की जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास ऑप्शन है चूज करने का कि जो प्रीमियम है उसने ईयरली देना है हाफ ईयरली देना है क्वार्टरली देना है मंथली देना है और किस मोड से देना है मोड मतलब कैश में देना है या उसे जो ऑनलाइन है उस तरीके से पे करना है जो प्रीमियम है जैसे वो इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम इंक्रीज होगा इसका मतलब कि अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा जैसे सपोज अगर एक पर्सन मंथली या क्वार्टरली चूज करता है तो उसे ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर उसी प्रीमियम को वो ईयरली मोड से पे करता है एक ग्रेस पीरियड वन मंथ का दिया जाता है जो तीस दिन से ज्यादा का Uh, हो, होना चाहिए तीस दिन से कम का नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप जो प्रीमियम है ईयरली पे कर रहे हो हाफ ईयरली पे कर रहे हो और क्वार्टरली पे कर रहे हो लेकिन अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो जो ग्रो आपका ग्रेस पीरियड है वो फिफ्टीन डेज से कम का नहीं होना चाहिए अगर डेथ अक्कर हो जाती है इन दिस पीरियड तो जो लाइफ एश्योर्ड है वो कवर्ड रहता है फॉर सम एश्योर्ड जो प्रीमियम है वो आप कैश में पे कर सकते हो अप टू 20000 और जो प्रीमियम है उसे आप चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस भी पे कर सकते हैं देन प्रोविजंस क्या है सेक्शन 64 5थ बी के रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम ये सेक्शन प्रीमियम आपने एडवांस में पे करना है इसके बारे में डिफरेंट प्रोविजंस बताता है वो क्या है कोई भी इंश्योरर तब तक आपका रिस्क नहीं लेगा अनलेस उसे प्रीमियम प्रीमियम एडवांस में रिसीव नहीं हुआ है है और जो है, इंडिया में ही आपको पे करना है देन जो इंश्योरर है वो एज्यूम रिस्क नहीं करेगा किस से पहले उस डेट से पहले जब जो प्रीमियम है उसे एडवांस में पे ना कर दिया गया हो इन चेक या थ्रू कैश अगर जो आपका प्रीमियम है आप पे कर रहे हो बाय वे ऑफ पोस्टल मनी ऑर्डर या चेक आप सेंड कर रहे हो थ्रू पोस्ट तो रिस्क को उसी डे से वो लेगा जिस डेट से आपने मनी ऑर्डर को बुक किया है या चेक को पोस्ट किया है देन जो रिफंड है प्रीमियम का जो ड्यू है इंशोर को या पॉलिसी होल्डर को अगर वो जो पॉलिसी है उसको कैंसिल करवा रहा है या ऑल्ट्रेशन कर रहा है उसकी टर्म्स और कंडीशंस में या अदरवाइज वो जो इंश्योरर है वो डायरेक्टली पे करेगा इंश्योर्ड को जो अमाउंट है वो पेड डायरेक्टली होगी इन दी पॉलिसी होल्डर अकाउंट अगर एजेंट कलेक्ट करता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम पॉलिसी होल्डर से ऑन दी बिहाफ ऑफ इंश्योरर, तो उसे उसे डिपॉजिट करवाना है इंश्योरर के अकाउंट में विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स विदाउट डिडक्टिंग हिज कमीशन और इसमें बैंक और पोस्टल हॉलीडेज को काउंट नहीं किया जाएगा देन जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स है कि वो रिलैक्स कर सकती है रिक्वायरमेंट एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम की किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज़ ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज रिवाइवल ऑफ पॉलिसी जब एक इंश्योर फेल होता है टू पे दी प्रीमियम विद इन दी ग्रेस पीरियड तो पॉलिसी लैप्स कर जाती है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की वो वॉयड होंगी जब तक आप पॉलिसी को दोबारा रिवाइव नहीं करवा लेते रिवाइव मतलब उसे दोबारा एक्टिव नहीं करवा लेते तो जो रिवाइवल है उसका मतलब है कि दोबारा से जो बेनिफिट्स हैं पॉलिसी होल्डर को इंश्योर्ड को वो रिस्टोर करना वो दोबारा से शुरू करना लेकिन वो कब होंगे ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यू प्रीमियम अलोंग विद इंटरेस्ट देन जो लाइफ इंश्योर्ड है जो लाइफ एश्योर्ड है उसको भी दोबारा से फ्रेश हेल्थ असेसमेंट करवाना पड़ेगा अगर उसने रिवाइवल अंडरटेकन है जो वो करनी है अगर जो टर्म पीरियड है लैपसेशन का वो सिक्स मंथ से ज्यादा हो जाता है तो ये चीज कंपल्सरी है तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है इस ये कर, करने के बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि पॉलिसी जो है वो ओरिजिनल टर्म्स कंडीशंस पर रिवाइव होगी रिवाइवल हो पॉसिबल है कब जब आप एरियर्स ऑफ प्रीमियम पे कर देते हो एंड ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दश्योर्ड या बिफोर द मेचोरिटी Types of revival schemes क्या हैं? सबसे पहला है हमारा ordinary revival. अगर revival आप करवा रहे हो, within six months किसके? जब आपकी first जो unpaid premium था, उसकी पॉलिसी को रिवाइव किया जाएगा ऑन कलेक्शन ऑफ प्रीमियम अलोंग विद इंटरेस्ट जो पर्सनल स्टेटमेंट है रिगार्डिंग गुड हेल्थ उसको जरूरी नहीं है देना इन केस ऑफ ऑर्डनरी रिवाइवल नेक्स्ट है हमारा रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस अगर आपने पॉलिसी को रिवाइवल करवाना है ऑन नॉन मेडिकल बेसिस तो जो भी अमाउंट है जो रिवाइव होगी आपको देनी पड़ेगी वो जो एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट है फॉर नॉन मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप लाइफ एशोर्ड uh, के लिए ले रहे हो उससे देन है रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस अगर जो पॉलिसी है उसे रिवाइव नहीं किया जा सकता ऑर्डनरी रिवाइवल के अंडर या रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस तो उसे आप विद मेडिकल रिक्वायरमेंट्स रिवाइव करवा सकते हो तो जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या अमाउंट रिक्वायर्ड होगी फॉर दी रिवाइवल देन नेक्स्ट है आपका रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट्स इसका मतलब है जो अमाउंट है ड्यू प्रीमियम्स की टुगेदर विद इंटरेस्ट आप पे करोगे अप टू नंबर ऑफ इयर्स अगर आपको पॉलिसी होल्डर को जो है रिलीफ लेना है और इन दैट पीरियड जो पॉलिसी होल्डर है वो फुल कवर्ड रहेगा फुल प्रोटेक्शन के लिए देन रिवाइवल बाय लोन लोन अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी कैलकुलेट होती है उसे डिडक्ट किया जाएगा जो भी आपने लोन का अमाउंट लिया है जो भी ड्यू अमाउंट है आपकी उससे मतलब जो भी आपने लोन लिया है अमाउंट उसमें से जो भी ड्यू अमाउंट है आपका उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा और जो इंटरेस्ट है टोटल अमाउंट पे चार्ज किया जाएगा तो पॉलिसी को